नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस ने कहा, प्लास्टिक बंदी के नाम पर जिनसे दंड वसूला गया उनके पैसे वापस करो। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव सचिन सावंत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लिया गया प्लास्टिक प्रतिबंध का निर्णय शिवसेना की समूची कार्यशैली की तरह बिना सोचे समझे किया गया फैसला है। पहले एक फैसला लिया गया, उस पर अमल शुरू कर दिया गया और अब इस फैसले में बदलाव कर फिर से प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। इसलिए उन्होंने मांग किया कि जिनसे पहले सरकार ने दंड वसूला है उनके पैसे सरकार को वापस करने चाहिए। सरकार ने बिना सोचे समझे प्लास्टिक बंदी का निर्णय ले लिया। सावंत ने कहा कि आम जनता को रोज़मर्रा के काम में प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। प्लास्टिक सस्ता होने के कारण आम जनता के लिए आर्थिक रूप से सुलभ है। प्लास्टिक पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने से पहले सरकार ने इसके परिणामों पर विचार किया होता तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार ने किराना दुकानों को प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल की छूट दी है। साथ ही प्लास्टिक थैलियां वापस लेने और सड़क पर ना आने देने की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार पर थोपी है। दुकानदार इसे कैसे पूरा करेगा ये भगवान ही जानता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार कागज़ की थैलियों का विकल्प देकर पर्यावरण की रक्षा कैसे करेगी? खबरदार की रिपोर्ट। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।